नमस्कार दोस्तों, अगेन स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कार देख लो में। मैं वापस आ चुका हूँ वासुदेव टाटा मोटर्स हजारीबाग के स्टॉक यार्ड में। और आज जिस गाड़ी का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये रही अल्ट्रोज की XT वेरिएंट। और ये अल्ट्रोज की वैल्यू फॉर मनी वाली मॉडल है, मिडिल वेरिएंट है। तो आप जानते हैं मिडिल के वेरिएंट में बहुत सारे जरूरत के फीचर्स मिल ही जाते हैं और आपके बजट में होती है। तो अगर आप एक प्रीमियम हैचबैक लेने का प्लान कर रहे हैं जो आपके बजट में हो और आपको सारी फीचर्स मिल जाए और सबसे बड़ी बात की गाड़ी सेफेस्ट हो, आपकी फैमिली अगर बैठे तो वो गाड़ी सिक्योर हो, तो मैं आपको यहाँ कंसीडर करूंगा कि आप अल्ट्रोज की XT वेरिएंट ले सकते हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो में सारे चीज कवर करेंगे कि XT अगर आप लेते हैं तो कौन कौन सी फीचर्स मिल जाती है। और साथ में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप अल्ट्रोज लेने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी मॉडल आती है। तो मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ वो XT का बना रहा हूँ, लेकिन आप डिस्प्ले पे देख पा रहे तो यहाँ पे ये सारी मॉडल आपको अवेलेबल होने वाली है। साथ में यहाँ पे मैनुअल ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है जो आप ले सकते हैं। इसमें CNG का भी ऑप्शन है अगर आप CNG लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ये वेरिएंट में आपको CNG अवेलेबल होने वाली है। देन अब बात करते हैं इसके कलर ऑप्शन की, तो अभी फिलहाल हम लोग ग्रे कलर का बना रहे हैं। साथ में अगर आप अल्ट्रोज XT वेरिएंट लेते हैं तो आप जो डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे ये कलर आपको अवेलेबल होने वाली है। तो देन अब बिना देर के हुए चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में और बात करते हैं कि इसके फ्रंट से आपको कौन कौन सी फीचर्स मिलना स्टार्ट हो जाती है। आ चुकी है गाड़ी के फ्रंट में, आप देख पा रहे होंगे गाड़ी फ्रंट से देखने में कुछ इस टाइप की लगती है। लेकिन देन सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के हेडलैम्प सेटअप में। तो यहाँ पे हाई बीम और जो लो बीम वाली होगी दोनों आपको रेगुलर बल्ब के साथ आती है। टर्न इंडिकेटर कुछ इस टाइप आपको मिलने वाली है। एक चीज आप यहाँ पे देख पा रहे तो लेफ्ट फेंडर से स्टार्ट होकर राइट फेंडर में ऊपर में पूरी तरह से यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर का आपको मिलने वाला है। और नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिलने वाला है जो कि कुछ इस टाइप की आपको आगे से दिखती है। अपर ग्रिल की बात की जाए तो कुछ इस टाइप की डिजाइन में मिलने वाली है और बीच में आपको यहाँ पे टाटा का लोगो मिलता है। XT अगर लेने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज काफी अच्छा है कि फॉग लैंप तो मिलता है लेकिन यहाँ पे DRL भी अवेलेबल होता है जो कि LED के साथ जलता है। तो ये चीज काफी अच्छा हो जाता है कि XT में अवेलेबल होती है। गाड़ी के लोअर ग्रिल की बात की जाए तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लोअर ग्रिल मिलने वाला है। और फ्रंट के स्कीट प्लेट की बात की जाए तो यहाँ पे गाड़ी के कलर में ही इसे रखा गया है। दो चीज यहाँ पे काफी अच्छा मिलता है। लाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे फॉलो मी होम फंक्शन आता है और ऊपर में आप आते हैं तो यहाँ पे रेन सेंसर वाइपर अवेलेबल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ऊपर में आप देख पा रहे तो रेगुलर वायर वाली एंटीना अवेलेबल होती है। अब आ चुके गाड़ी के साइड प्रोफाइल में, तो आप देख पा रहे एक हैचबैक सेगमेंट की जो प्रीमियमनेस होनी चाहिए गाड़ी का लुक में, वो चीज यहाँ पे आपको मिलता है। और सबसे बड़ी बात की 5-स्टार रेटेड कार है NCAP ग्लोबल के थ्रू, आपकी फैमिली के लिए एकदम सिक्योर गाड़ी, आप इसे परचेस कर सकते हैं। देन अब सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की डायमेंशन की, तो ओवरऑल लेंथ विड्थ हाइट और साथ में व्हील बेस आप यहां पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। अब आते हैं गाड़ी के टायर प्रोफाइल में, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे हाइपर स्टाइल व्हील आपको मिलने वाला है। एक्चुअल ये जो व्हील मिलता था वो आपको XT डार्क एडिशन में मिलता था, लेकिन अब जो है कि आप अल्ट्रोज XT की कोई भी मॉडल ले ले यहाँ पे वही व्हील आपको मिलने वाला है। देन इसकी टायर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको MRF का टायर मिलने वाला है। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो 185/60 R16 इंच का आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है, पीछे आपको ड्रम मिलता है। और बात करते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 165 mm मिलता है। अब आते हैं गाड़ी के, अब यहाँ पे ORBM में अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक चीज काफी अच्छा है कि यहाँ पे ऑटो फोल्ड ORBM तो आपको मिलता है और साथ में आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे तो ये पूरी तरह से पियानो ब्लैक कलर में आपको फिनिशिंग मिलने वाला है। हालांकि जो टर्न इंडिकेटर मिलेगी साइड में वो आपको फेंडर में मिलने वाली है। आप साइड से यहाँ पे एक चीज और देख पा रहे होंगे, जो साइड बीट आपको मिलने वाली है ये आपको पूरी तरह से पियानो ब्लैक कलर में आपको मिलने वाला है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथ में अगर ऊपर में आते हैं तो ए पिलर आपको बॉडी कलर में मिलेगा, बी और सी पिलर की बात की जाए तो ये मैट ब्लैक कलर का होने वाला है। अगला एक चीज मैं आपको बताऊं तो पंच और जो अल्ट्रोज में ही मिलने वाला है इसका 90° डोर्स ओपन। तो ये एक चीज काफी अच्छा है कि यहाँ पे आप अल्ट्रोज लेने का प्लान कर रहे हैं तो यार यहाँ पे एंट्री और एग्जिट करना बहुत आसान है क्योंकि इसकी जो डोर्स है वो 90° ओपन होता है। अदर हैचबैक सेगमेंट के कार्स में अगर आप जाओगे ना तो ये आपको कम्फर्ट वहां पे नहीं मिलने वाला, तो ये एक चीज काफी अच्छा हो जाता है। पीछे अगर आप देख पा रहे पीछे के डोर्स को ओपन करना है तो यहाँ पे सी पिलर में आपको माउंटेड होगा, कुछ इस टाइप की आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको दो चीज बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको चाबी दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दो स्मार्ट की मिलेगा जिसमें लॉक अनलॉक डिक्की ओपन करना, लाइट जलाना है और साथ में यहाँ पे अगर आप देख पा रहे तो टाटा का लोगो और ये पूरी तरह से पियानो ब्लैक कलर में साइड साइड फिनिशिंग मिलता है और ये स्मार्ट की आपको दो मिलने वाला। दूसरा एक चीज आप देख पा रहे तो डोर्स हैंडल आपको बॉडी कलर में मिलता है लेकिन यहाँ पे देखो यार स्मार्ट कीलेस एंट्री भी अवेलेबल होने लगी है। तो ये XT का काफी अच्छा फीचर है जो आपको मिलने वाला है। अब आ चुके गाड़ी के बैक प्रोफाइल में, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गाड़ी पीछे से भी देखने में काफी प्रीमियम लग रहा है। तो एक्चुअल में रियलिटी यार हैचबैक सेगमेंट की बहुत अच्छी कार है ये।
देन ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे हाई स्टॉप लैंप आपको मिलने वाला है। नीचे आपको वाइपर तो नहीं मिलेगा, लेकिन हालांकि इसमें आपको डिफोगर मिलता है। गाड़ी इंडिया में बनती है, इंडिया में सेल आउट होती है, तो वोकल टू लोकल का सिंबल होगा। और नीचे आते हैं तो इस टाइप की आपको पीछे का लुक मिलने वाला है पूरी तरह से। यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर में आपको फिनिशिंग मिलने वाला है। अब बात करते हैं गाड़ी की टेल लैंप की, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे तो सारा रेगुलर आपको टेल लैंप मिलने वाली है, लेकिन इसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी है। और अगर इसे अगर आप डिस्टेंस से देखिएगा ना, तो एज आपको एलईडी के जैसा फील होता है, ये थोड़ा सा आपको यूनिक बनाता है। और साथ में यहाँ पे टर्न इंडिकेटर भी रेगुलर बल्ब के साथ आता है। अब इधर आते हैं तो यहाँ पे आपको लोगो, अल्टोस की ब्रांडिंग और टी के बाद अगर आप देख पा रहे तो यहाँ पे आपको कैमरा अवेलेबल होता है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे दो पार्किंग सेंसर और पीछे का रिफ्लेक्टर, और यहाँ पे पीछे की जो बम्पर की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ छोटा सा मैट ब्लैक कलर का आपको मिलने वाला है। अब करते हैं गाड़ी के बूट को ओपन, तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है जिसके थ्रू आप गाड़ी के बूट को ओपन कर सकते हैं। ऊपर में देख पा रहे तो पूरी तरह से ब्लैक कलर में आपको कवर किया गया है। और यहाँ पे ग्रिप मिल जाता है जिसके थ्रू आप डिक्की को लॉक कर सकते हैं। अंदर में आते हैं तो यहाँ पे एक चीज काफी अच्छा है, काफी मजबूत यहाँ पे पार्सल ट्रे आपको मिलता है। अप्रोक्स आई थिंक 7 से 8 kg आप यहाँ पे रख सकते हैं। देन अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो यहाँ पे 345 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलने वाली है। देन अंदर में आते हैं तो यहाँ पे 3 kg का लगेज होल्डर और यहाँ पे एक रेगुलर लाइट मिलने वाली है। देन अब बात करते हैं गाड़ी के स्टेपनी की, तो यहाँ पे देख पा रहे इस टाइप की आपको स्टेपनी मिलेगी। सारा टूल किट्स और यहाँ पे जैक वगैरह यहीं पे प्लेसिंग होगा। स्टेपनी जो मिलेगा वो ब्रिज स्टोन का मिलने वाला है। साथ में बात करते हैं स्टेपनी की साइज की, तो यहाँ पे 165x80 R14 inch का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देन अगर पीछे का सीट अगर आप देख पा रहे तो यहाँ पे आपको जॉइंटेड मिलता है, 60-40 फोल्डेबल ऑप्शन नहीं है। आ चुके गाड़ी के रियर इंटीरियर में, आप देख पा रहे गाड़ी की रियर इंटीरियर कुछ इस टाइप की आपको लगने वाली है, वो चीज मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इसके डोर्स में, तो यहाँ पे देख पा रहे डुअल टोन में आपको डोर्स मिलने वाली है। नीचे पूरी तरह से मैट ब्लैक कलर का होगा, बीच में आप यहाँ पे देख पा रहे तो व्हाइट कलर का कुछ यहाँ पे फिनिशिंग मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर में आपको मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे पावर विंडोज और यहाँ पे 1 लीटर का नीचे बोतल होल्डर मिलने वाला है। हालांकि ये एक्सटी वेरिएंट है तो यहाँ पे पीछे भी आपको स्पीकर मिलता है। साथ में इधर आते हैं तो चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी अवेलेबल है। अब आते हैं गाड़ी के सीट में, तो सबसे पहले आपको मैं सीट की फैब्रिक दिखाऊंगा, कुछ इस टाइप की आपको ट्रायर असेंबल में आपको फैब्रिक मिलने वाला है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देन इधर देख पा रहे तो आइसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी लॉक अवेलेबल है। दोनों हेडरेस्ट जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो आपको फिक्स वाली मिलती है। मिडिल में जो बैठेंगे उनके लिए 2 पॉइंट वाली आपको सीट बेल्ट मिलती है। देन अब बात करते हैं इसकी लेग स्पेस की, तो यहाँ पे लेग स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है। अभी मैं ड्राइवर सीट को अपने हाइट के अनुसार पीछे किया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्पेस काफी अच्छा मिलता है। और अल्टोज और पंच अगर आप लेना चाह रहे हैं ना, तो इसकी जो फ्लोर आती है ना पूरी तरह से फ्लैट आती है। तो यहाँ पे एक चीज का बेनिफिट होता है कि अदर कार्स में क्या होती है ना कि यहाँ पे बंप रहता है, तो जो पीछे मिडिल में बैठते हैं ना तो उनको बैठने के लिए एक पैर उधर और दूसरा पैर इधर करके बैठना पड़ता है, तो वहां पे थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है। लेकिन यहाँ पे आपको उस टाइप की कोई टेंशन नहीं होने वाली है। साथ में यहाँ पे देख पा रहे यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर या फिर फोन वगैरह कैरी करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे एक नॉर्मल हैंडल ग्रिप मिलने वाला है। आ चुके गाड़ी के फ्रंट इंटीरियर में, आप देख पा रहे गाड़ी की फ्रंट इंटीरियर काफी लग्जरी सी यहाँ पे लगती है। डुअल टोन में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देन सबसे पहले कवर करते हैं गाड़ी के ड्राइवर डोर्स की, तो यहाँ पे भी आपको डुअल टोन में आपको मिलेगा। इधर आते हैं तो चारों पावर विंडोज और जो ड्राइवर साइड होगा 1 touchdown आपको पावर विंडोज मिलेगा। बाहर के मिरर को फोल्ड करना या एडजस्ट करना सब कुछ आपको यहीं पे मिलने वाला है। और इधर आते हैं तो यहाँ पे बोतल होल्डर, इधर कुछ कैरी करना है तो कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर मिलने वाला है। अब बात करते हैं ड्राइवर सीट की, तो यहाँ पे सीट हाइट एडजस्टेबल मिलता है, थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा है। शोल्डर सपोर्ट की बात की जाए तो ये भी काफी अच्छा मिलता है। और यहाँ पे जो हेडरेस्ट है दोनों हाइट एडजस्टेबल मिलने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड में, राइट साइड में, तो यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलती है। इधर अगर फॉग लैंप को ऑन करना है, लॉक करना है गाड़ी को, और यहाँ पे आइडियल स्टार्ट स्टॉप मिलने वाली है। नीचे अगर यहाँ पे पर्स कैरी करना चाह रहे तो आप आराम से कर सकते हैं। गाड़ी के बोनेट को ओपन करना है तो यहाँ पे आपको एक लेवर मिलता है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। साथ में अगर फ्यूल लिड को ओपन करना है तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। देन नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको फुटरेस्ट भी अवेलेबल होने वाली है, तो ये एक चीज काफी अच्छा है। साथ में यहाँ पे अंदर में देख पा रहे तो एक ब्लूइश लाइट जलता है, तो ड्राइवर को ड्राइवर के फुटवेल के पास आपको एक एम्बियंट लाइट मिलने वाली। अब आते हैं गाड़ी के स्टेयरिंग में, तो यहाँ पे आपको टिल्ड स्टेयरिंग आपको मिलने वाली है। लेफ्ट साइड में सारा म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल और कॉल रिसीव करना, कट करना सारा फंक्शन है। इधर एक चीज काफी अच्छा है कि यहाँ एक्सट्रीम में क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे लोगो कुछ इस टाइप का और साइड साइड में आपको हॉर्न मिलने वाली है, और वही टाटा का यहाँ पे डी शेप में स्टेयरिंग मिलता है। अब बात करते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो ऊपर में पूरी तरह से मैट ब्लैक कलर का आपको मिलने वाला है। हालांकि बात करते हैं इसके मिडिल की, तो यहाँ पे पूरी तरह से सिल्वर कलर का मिलता है, जो कि देखने में काफी प्रीमियम लग रहा है। और एसी वेंट में भी आते हैं तो यहाँ पे डार्क क्रोम का यूजेस किया गया, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हैजार्ड लाइट का बटन और यहाँ पे अल्ट्रोस की ब्रांडिंग हो जाती है। नीचे आपको पूरी तरह से व्हाइट यहाँ पे फिनिशिंग मिलने वाली है। देन एक चीज काफी अच्छा है कि एक्सटी में भी अब आपको कूल ग्लो बॉक्स मिलता है, तो ये एक चीज काफी अच्छी बात हो जाती है। अब आते हैं गाड़ी के एसी में, तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और सारा फंक्शन यहाँ पे आपको
मिलता है। अब आते हैं गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम में, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो वही हरमन का 7 इंच का ब्रांडेड म्यूजिक सिस्टम मिलेगा जो कि टच स्क्रीन के साथ है। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वॉइस कमांड, साथ में वॉट 3 वॉट का सारे फीचर्स है, साउंड डेमो है, सेटिंग आप कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें फीचर्स मिलते हैं। ओवरऑल इसकी म्यूजिक की क्वालिटी ना यार एकदम तगड़ा वाली है। एक बार आप हरमन का ब्रांडेड म्यूजिक सिस्टम का स्पीकर का साउंड सुनो यार, एक नंबर है। और यहाँ पे 4 स्पीकर 2 ट्विटर के साथ म्यूजिक सिस्टम अवेलेबल हो जाती है। तो नीचे आते हैं तो यहाँ पे 12 वॉट का रेगुलर चार्जर, और साथ में यहाँ पे नीचे आते हैं तो यूएसबी पोर्ट और यहाँ पे टाइप सी चार्जर भी अब अवेलेबल होने लगा, तो ये एक चीज काफी अच्छा हो जाता है। नीचे फोन रखना आप रख सकते हैं। अब आते हैं अब गाड़ी के गियर में, तो 5 गियर विथ एक रिवर्स के साथ होगा, पूरी तरह से लेदर कवर है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ग्रे फिनिश आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और इधर आते हैं तो यहाँ पे आपको 2 मोड मिल जाता है, इको मोड, सिटी मोड। जैसे मैं अभी कन्वर्ट किया तो अभी इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेट है, तो यहाँ पे वो बोल के भी बताता, तो ये एक चीज काफी अच्छी हो जाती है। यहाँ पे कुछ इस टाइप की स्पेस मिलेगा और पीछे जो बैठेंगे भविष्य में यहाँ पे उनके लिए चार्जर लगाना तो आप कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 कप होल्डर मिलने वाला है। देन अब आते हैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो यहाँ पे देख पा रहे कुछ इस टाइप की आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, बीच में आपको एक MID स्क्रीन मिलने वाला है। देन लेफ्ट साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको RPM मीटर मिलेगा, राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर मिलेगा। देन बीच में आते हैं तो यहाँ पे आपको सब कुछ बताता है कि गाड़ी में कितनी फ्यूल है, गाड़ी इको मोड में, सिटी मोड में है, गाड़ी कितनी चलेगी, गाड़ी इंस्टेंट माइलेज क्या दे रही है, गाड़ी कितनी हीट है, साथ में ऑडोमीटर, ट्रिप 1 ट्रिप 2 सारा मीटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सा दरवाजा ओपन है, तो सब कुछ ओवरऑल यहाँ पे आपको फीचर्स अवेलेबल होने वाली है। देन ऊपर में आते हैं तो सनवाइजर में वैनिटी मिरर, इधर आता है तो हैंडल ग्रिप आपको मिलने वाला है, ऊपर में एक रेगुलर लाइट मिलता है और यहाँ पे आपको माइक अवेलेबल होने वाली है। इधर में आते हैं तो यहाँ पे आपको कार्ड होल्डर मिलता है। IRBM में आते हैं तो डे नाइट वाली मैनुअल IRBM मिलेगा और ऊपर में एक चीज काफी अच्छा है कि रेन सेंसर वाइपर भी अवेलेबल हो जाता है। अभी फिलहाल अल्ट्रोज में 2 एयरबैग इसमें मिलता है, लेकिन भविष्य में कंफर्म है कि इसमें 6 एयरबैग आने वाला है। रीजन मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर स्पेस देख पा रहे होंगे, साथ में वहां देख पा रहे होंगे और सबसे लास्ट में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो टाटा ने पहले से ये तैयारी करके रखा है कि भविष्य में जब भी लागू होगा गवर्नमेंट के साइड से 6 एयरबैग की, तो वो ऑटोमेटिक उसमें डाल देगा। तो ये रहा गाड़ी का सारा फीचर्स जो मैंने आपको कवर करके बताया शुरू से लेकर अंत तक। देन अब चलते हैं गाड़ी के इंजन में और बात करेंगे गाड़ी के पावर, पिकअप, साथ में गाड़ी की माइलेज की और कंपनी के साइड से जो वारंटी मिलता है। और सबसे बड़ी बात, अभी बैठे हैं अल्ट्रोज में तो अल्ट्रोज का क्या प्राइस पड़ेगा वो सब कुछ क्लियर करेंगे। अब आ चुके हैं गाड़ी के इंजन प्रोफाइल में, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे पूरी तरह से ब्लैक कलर में आपको कवर किया गया है। देन अब चलते हैं गाड़ी के इंजन में, तो यहाँ पे एमेरोन की आपको बैटरी मिलने वाली है और कुछ इस टाइप की इंजन की प्लेसिंग होने वाली है और यहाँ पे ब्रेकिंग का सारा सिस्टम अवेलेबल होने वाला। अब बात करते हैं इसकी पेट्रोल वर्जन की, तो यहाँ पे 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन 1200 सीसी के साथ आता है जो कि 3 सिलेंडर के साथ है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे कस्टमर ये कंप्लेंट्स करते थे कि 3 सिलेंडर के कारण इसमें नॉइस थी, लेकिन वेट वेट वेट, अब यहाँ पे BS6 जब से फेज 2 वाली इंजन आई हुई है इसकी नॉइस काफी कम हो चुकी है। आप नियरेस्ट डीलरशिप में विजिट करके इसका टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं और गाड़ी का इंजन का आवाज सुन सकते हैं। साथ में अब बात करते हैं कि इसमें मिलने वाली मैक्सिमम पावर की, तो यहाँ पे 87 PS का पावर जनरेट होता है। और बात करते हैं इसकी टॉर्क की, तो यहाँ पे 115 Nm यहाँ पे आपको टॉर्क मिलने वाला है। अब साथ में बात करेंगे इसकी सेफ्टी की, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि इसे 5-स्टार रेटिंग मिला है एनकैप ग्लोबल के थ्रू, तो आपकी फैमिली के लिए एक सिक्योर कार है, आप ले सकते हैं। साथ में इसमें ABS, EBD, CSC, फ्रंट में डिस्क, रियर में आपको ड्रम मिलता है, पीछे 2 पार्किंग सेंसर विद कैमरा के साथ, 2 एयरबैग आपको अवेलेबल होता है, आइसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सब कुछ वो एडवांस फीचर्स यहाँ पे मिलता है। और ये गाड़ी जिस प्लेटफॉर्म में बना है वो अल्फा प्लेटफॉर्म है, जिसकी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है। अल्फा जो प्लेटफॉर्म होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, जो इसमें आपको इनबिल्ड मिलने वाली। अब बात करते हैं इसकी वारंटी की, तो 3 साल या 1 लाख किलोमीटर का कवरेज होता है और इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो अप टू 5 ईयर या फिर 1,25,000 तक आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं इसकी एक्सोरूम प्राइस की, तो 8,08,000 के आसपास इसकी एक्सोरूम पड़ती है। और अगर इसकी ऑन रोड हजारीबाग वासुदेव टाटा मोटर से जानना चाह रहे हैं या फिर टाटा की आप कोई भी गाड़ी की इंक्वायरी करना चाह रहे हैं जिसमें ऑन रोड या प्राइस डिटेल या फीचर्स वाइज अगर आप जानना चाह रहे हैं, तो ये रहा वीडियो में नंबर, इस नंबर पर कॉल करो और कोई भी गाड़ी की आप डायरेक्ट इंक्वायरी आप कर सकते हैं। तो ये रहा सारा वीडियो जो मैंने आपको कवर करके बताया। तो ओवरऑल आप एक ऐसी हैचबैक लेने का प्लान कर रहे हैं जो गाड़ी आपके फैमिली के लिए सेफेस्ट हो और उसमें फीचर्स भी काफी अच्छा, तो मैं आपको कंसिडर करूंगा कि आप इसकी XT मॉडल आप परचेस कर सकते हैं। तो ये रहा ओवरऑल गाड़ी का सारा फीचर्स जो मैंने आपको कवर करके बताया। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।